Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and doing very well. Today we will study your science book. So, please, students, open your science book, unit number one, page number one. यूनिट नंबर वन इज अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडीज जिसम के आजा को समझना उनकी हरकत के बारे में जानना नाउ टर्न इज पेज नंबर टू फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इज योर बॉडी आपका जिसम इन मैनी वेज योर बॉडी इज लाइक आ वंडरफुल मशीन बहुत सारे तरीक़ों से आपका जिसम एक शानदार मशीन की तरह काम करता है ईच ऑफ दी मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आपकी बॉडी के बहुत सारे मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैज अ स्पेशल जॉब टू डू जो बहुत ही ख़ास काम कर रहे हैं द बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक यू मूव हड्डियाँ और पट्टे मिलकर हमारे जिसम को हरकत देते हैं द हार्ट फॉर्म्स ब्लड अराउंड दी बॉडी हमारा हार्ट दिल पूरे जिसम को ब्लड पंप करता है मीन्स हमारा दिल जो है वो पूरे जिसम में खून पहुंचाता है लंग्स टैग इन अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फेफड़े हवा के जरिए जो गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन कहलाती है द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज़ द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल दी ऑल दी अदर पार्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो है बॉडी का वो दिमाग है और वो पूरे ही जिसम को पूरे जिसम में मौजूद हिस्सों को कंट्रोल करता है काबू करता है मशीन्स नीड फ्यूल टू मेक देम वर्क जैसे कि आप जानते हैं कि मशीन को ज़रूरत होती है काम करने के लिए फ्यूल ईंधन की या ऑयल वगैरह की द फूल फॉर द हुमेन बॉडी इस फूड ऐसे ही इंसानी जिसम का फ्यूल जो है वो गज़ा है योर नीड आ रेगुलर सप्लाई ज़रूरत होती है बॉडी को रेगुलर सप्लाई की ऑफ फूड फूडा जा की टू कीप योर बॉडी वर्किंग प्रॉपरली जिससे बॉडी प्रॉपर काम करती है लाइक ऑल अदर लिविंग थिंगस ऐसे ही और सारे जानदार द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ टिनी पार्ट्स कॉल्ड सेल्स टिन्ही पार्ट से मिलकर बने हैं छोटे छोटे पार्ट से मिलकर और वो पार्ट्स कहलाते हैं सेल्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन बॉडी बहुत सारे सेल्स बॉडी में मौजूद हैं स्किन ब्लड मसल्स एंड मोस्ट अदर बॉडी पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स हमारी स्किन ब्लड खून मसल्स पट्टे, ये और बॉडी के और बहुत सारे हिस्से सब सेल्स से मिलकर बने हैं नाउ सेकेंड टॉपिक इज बॉन्स दे आर आर टू हंड्रेड सिक्स इन योर बॉडी आपकी बॉडी में टोटल टू हंड्रेड पॉन्स हड्डियाँ मौजूद हैं दे आर ज्वाइन टूगेदर टू मेक अप दिस केलेटन ये सारी हड्डियाँ आपस में मिलकर एक स्केलेटन ढांचा बनाती हैं दिस स्केलेटन गिव्स दॉडी इट्स शेप और ये ढांचा बॉडी को एक शकल देता है जिसम को हमारी बॉडी को हमारे जिसम को एक शक्ल देता है सम बोन्स प्रोटेक्ट दी मेन इनर ऑर्गैन्स कुछ हड्डियाँ प्रोटेक्ट करती हैं इनर ऑर्गेन्स अं, हमारे जिसम में जो अंदर मौजूद अजा हैं उनको फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द्कल प्रोटेक्ट द्रेन स्कल्स प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को द रिप्स मेक आ रिप केच अराउंड दी हर्ट एंड दंग्स एंड रिप्स प्रोटेक्ट करता है हर्ट एंड लंग्स को नाउ थर्ड टॉपिक इज मसल देअर आर मोर देन सिक्स हंड्रेड मसल्स इन योर बॉडी आपके जिसम में ज्यादा से ज्यादा सिक्स हंड्रेड फट्टे मौजूद हैं सम ऑफ द मसल्स हेल्प योर बॉडी कुछ मसल्स मदद देते हैं बॉडी को हेल्प योर बॉडी टू मूव बॉडी को हरकत करने में अदर्स हेल्प टू डाइजेस्ट फूड दूसरे मसल्स हेल्प करते हैं खाना हजम करने में कीप दी ब्लड फॉलोइंग एंड द लंग्स वर्किंग खून पहुँचाने में और लंग्स मतलब फेफड़ों को काम करने में मसल्स आर मेड ऑफ टफ़ इलास्टिक टिश्यूज़ मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त और खींचने वाले टिश्यूज से मिलकर बने हैं मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं विच मीन्स दैट दे कैन बिकम शॉर्टर दिस काज मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स मसल्स मूवमेंट कर सकते हैं Now it's for enough today. Thank you so much, students.